कोई दिखाई नहीं पड़ता है मोदी के अलावा, कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई विकल्प नहीं है, कोई दिखाई नहीं पड़ता है मोदी। राहुल गांधी है ये आपके कहने से हो जाएगा? 48 घंटा मेहनत करने वाला, पूरा रात दिन मेहनत करने वाला मोदी सरकार, ऐसा कोई प्रधानमंत्री मेहनत करी से? आप लोग मोदी भक्त हैं? मोदी भक्त हैं? 15 बरस लालू जी का झंडा ढोए, उसके बाद नीतीश कुमार अच्छा करी तुम, उनका उनका सपोर्टर है, पलटी मारते हैं चचा। पलटू तो सब है, एक को कैसे कहिएगा पलटू, बिना पलटे हुए दूसरा एक दूसरे का हो गया। अरे वो पलटी मारिस तो वो भी पलटी मारिस, एक एक ही को कहा कर रहे हैं कि पलटी है पलटी है। राहुल गांधी कैसा नेता है? राहुल गांधी एवरेज से भी नीचे मानता हूँ उसको। लोकसभा चुनाव का बिगुल अब फुकाने वाला है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार की जनता किसके साथ है। आप तमाम वीडियो देखे होंगे कि जो जनता का जो सवाल है, जो लोग चाह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं पटना के अगम कुआं में, और हमारे साथ कई लोग हैं, युवा हैं, हम इनसे जानेंगे कि इन लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। 24 में कौन आएगा? मोदी। क्यों? क्योंकि भरोसा उन्हीं पे। उन्हीं पे है? कैसे? क्योंकि 14 से देख ही रहे हैं। हाँ। जो जो काम उन्होंने किया है हमारे लिए तो सही है। आपके लिए अभी तक क्या किए पर्सनली? आपके लिए पर्सनली किसी के लिए कोई क्यों करेगा, पर्सनली हम है ना खुद करने के लिए। क्या किए हैं आपके लिए? कौन? आप तो बोले कि मेरे लिए तो ठीक है मोदी। हाँ बस बढ़िया है। कैसे ठीक है? कैसे ठीक है, आपने भी तो देख रहा है ना कि 2014 से अभी तक क्या क्या हुआ। क्या क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ सर, वो दुनिया को पता चल चुका है। क्या हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का है? क्या हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? मुझे नहीं चाहिए रोजगार है? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? मैं रोजगार पैदा कर सकता हूँ खुद। आत्मनिर्भर बनेंगे? जी बिल्कुल। जो पढ़ रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छे सेक्टर में जा रहे हैं। राहुल गांधी कैसा नेता है? राहुल गांधी एवरेज से भी नीचे मानता हूँ उसको। लालू यादव? जो किए वो अपना समय में सही किए। आप लोग बदलाव चाहते हैं इस बार? पूरा बदलाव चाहते हो? बदलाव मिल रहा है, बदलाव हो रहा है। हाँ। बदलाव देख रहे हैं? हाँ। बदलाव दिख रहा है, और रहा है। आने वाले 15 साल तक चाहूंगा कि वाजपेयी का सरकार रहे। भाजपा का ही सरकार आने वाले 15 साल तक मोदी कुछ काम करे चाहे नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे युवाओं को। एक मिनट, पहले आप मुझको ये बताओ कि मोदी क्या नहीं किया। नहीं मोदी, आप क्या, आपका क्या मतलब? हम बताएं मोदी क्या नहीं किए। मोदी जी वादा किए थे कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो नहीं दिए। अच्छा। मोदी जी बोले थे हर खाता धारक को हम 15 लाख रुपया देंगे, वो नहीं दिए। गैस का दाम कम होगा, वो नहीं किए हम। और बताएं। हाँ बोलिए, आपके पास है कुछ जवाब मोदी जी क्या किए? जो किए बढ़िया चल रहा है, ठीक है। हम लोग को तो नहीं लग रहा कि कुछ खराब है, कोई खराब सिस्टम नहीं है। और रोजगार की बात आप कर रहे थे ना, रोजगार का किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहेंगे इस चीज़ से ना इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। हाँ। अगर मैं चाहूँ तो, मेरे अंदर उतना कैपेसिटी है, मेरे अंदर वो होगा तो। मतलब वोट नेताजी को आप अपना कैपेसिटी के बल पे दीजिएगा? अरे सर देखिए, उनके क्या? काम पे दीजिएगा क्या? काम तो हो ही रहा है ना। हाँ? काम तो हम देख ही रहे। हो रहा है दोस्त, गिनवा नहीं रहे हो? मैं गिनवाऊँ क्यों? पता नहीं, सबसे पहली बात क्या पता नहीं है मोदी जी क्या काम किए। आप बताइए ना, आप क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? मेरा आजाद। कैसे टूट गया हथवा? गिर गया, टूट गया। आजाद जी, क्या पूरा नाम क्या हुआ? आजाद कुमार। आजाद कुमार, क्या लगता है 24 में क्या होगा? मोदी आएगा। मोदी जी काहे मोदी जी आएंगे? आए कि वो काम बहुत अच्छा हो रहा है। क्या किए आपको कुछ काम पता है? यहाँ तक किया, बहुत ही अच्छा कर रहा है, करते आएंगे। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो फिर से काम नहीं पाता। राहुल गांधी नहीं सत्ता में आ सकते हैं? लालू यादव को जानते हैं? लालू यादव भी नहीं आ पाए, मोदी सरकार आएगा। मोदी सरकार आएगा? क्या है? क्या, क्या, है? क्या नाम हुआ चचा? मेरा रमेश प्रसाद चंद्रवंशी। 24 में कौन आएगा चंद्रवंशी जी? मोदी सरकार आएगा, कोई विकल्प नहीं है तो क्या कोई दिखाई नहीं पड़ता है मोदी के अलावा, कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई विकल्प नहीं है, कोई दिखाई नहीं पड़ता है। राहुल गांधी है ये आपके कहने से हो जाएगा? आप आपके कहने से हो सकता है ना? हाँ मेरे कहने से हो सकता है। हाँ इधर आइए चचा। मेरे कहने से हो सकता है। हाँ। कि मोदी के कद के बराबर कोई नेता नहीं है। इधर आइए, इधर आइए। कोई नेता नहीं है? हाँ बोलिए। कोई नेता नहीं है? कोई नेता नहीं है? नहीं, राहुल गांधी नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर उसे क्या करिएगा, उसे परिवारवाद है, कोई जरूरी है? कांग्रेस में वही है, दूसरा ना रहता। आप लोग इंडिया के साथ रहिएगा कि एनडीए के साथ? एनडीए के साथ। इंडिया के? हाँ, साथ भाजपा जो है इंडिया, इंडिया के साथ नहीं। नहीं इंडिया तो खत्म होते जा रहा है। आपके लिए क्या किए मोदी जी? मोदी जी
लीजिए फ्री अनाज बांट रहे हैं क्या और हाँ रोजगार मिल रहा है बेटा है आपका रोजगार का जी आपको पैसा दे रहे हैं पूंजी दे रहे हैं आप कैसी करिए रोजगार नौकरी क्या पैसा दे रहे हैं 10,000-20,000 जनरल लीजिए उसको चुकाइए अभी तक लिया है बहुत से दुकानदार लिया है क्या कौन योजना 10,000 सर बोलिए जी कम से कम 10,000 ऐसे ही मिल लिया है फिर उसको पेमेंट करिए तो 20,000 मिलेगा 50,000 मिलेगा आप 10,000 लेकर खाइए जाइएगा तो कहाँ देगा मतलब जो वादा किए तो वादा पे आप लोग नहीं याद कर रहे सब तो वादा पूरा करिए ना धीरे धीरे फिर NCR लागू हो रही है ना इधर इलेक्शन के पहले एक कानून बनने वाला जो है उसका भी लागू करिए रहे मोदी सरकार तो और क्या चाहते हैं सम्मान है देश का इज्जत है सम्मान है विश्व में बड़ा हो रहा था आपका चाहिए वही है भोंदू बाद क्या विश्व बड़ा हो रहा अरे विश्व में इसका माने विख्यात हो रहा है इंडिया नहीं हो रहा है आपका कहने से होगा सुनिए चचा आप लोग मोदी भक्त हैं मोदी भक्त हैं 15 बरस लालू जी का झंडा ढोए उसके बाद नीतीश कुमार अच्छा करें तुम उनका सपोर्टर है जो अच्छा करेगा सपोर्टर है कोई जरूरी है कि हम लालू जी कैसा काम किए लालू जी भी अपना समय में अच्छे काम किए उससे भी अच्छा काम मोदी सरकार कर या नीतीश कुमार कर रहा है बिहार में नीतीश कुमार बढ़िया काम किए अच्छा पलटी मारते हैं चचा पलटू तो सब है एक को कैसे कहिएगा पलटू बिना पलटे हुए दूसरा एक दूसरे का हो गया अरे वो पलटी मारिस वो भी पलटी मारिस एक ही को कहा कर रहे हैं कि पलटी है जबकि हर कोई पलटता है तभी ना एक दूसरे का होता है सब कौन पलटी मारा नीतीश जी ने पलटी मारा जरूरी है उधर से पलटी मारा तो ना होता है कोई भी पार्टी तो पलटी मारता है देश में बदलाव नहीं चाहते हैं नहीं बदलाव नहीं चाहते महंगाई का असर नहीं पड़ता है महंगाई तो शुरू से देखते हैं लेकिन मोदी सरकार में बहुत कम महंगाई धीरे धीरे बढ़ा है बहुत कम महंगाई है धीरे धीरे बढ़ा है जिस तरह कांग्रेस में बढ़ता था ऐसा नहीं है कांग्रेस में क्या बढ़ता था बहुत ज्यादा था महीने महीने आज जो राशन मिल रहा है ना ये कांग्रेस के ही देन है आपको पता होना चाहिए कांग्रेस में कहाँ मिलता था राशन फ्री राशन देखिए कांग्रेस में कहाँ फ्री राशन कहाँ मिलता था फ्री राशन कांग्रेस में कभी मिला है नहीं मिला है नहीं आपको जानकारी नहीं है इसकी मतलब देखिए हमारा तो खैर न मालूम है ऐसा इस बार मोदी जी के साथ ही है जनता जनता धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं कि काम के अनुसार में कर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं कि 48 घंटा मेहनत करने वाला पूरा रात दिन मेहनत करने वाला मोदी सरकार ऐसा कोई प्रधानमंत्री मेहनत करी से क्या मेहनत करते हैं मोदी सर आज पटना यहाँ है तो कल हुआ है तो बिना मेहनत से हो जाता है अरे बोल रहे हैं कि लोग देश बेच दिए मोदी जी देश बेच दिए हैं ये कैसे कहिएगा रेल बेच दिए सेल बेच दिए एक लाख रुपया अगर मिल रहा है एक कर्मचारी को डिवाइड करी ना कि सबको 10,000 दो कि बेकारी की समस्या खत्म हो या पॉइंट अच्छा झूठ पे झूठ बोलते हूँ आप लोग माफ कर दीजिएगा ना झूठ कर तो दीजिएगा मोदी जी झूठ झूठ कहाँ बोलते हैं नहीं झूठ बोले हैं 15 लाख रुपए आए लो तो पॉकेटवा में 15 लाख ना हुआ नोटबंदी हुआ तो सब कहाँ आया 15 लाख जीरो बैलेंस में पहुँच गया 15 लाख आया जी आपका का मतलब अरे सुनिए घुमाओ नहीं 15 लाख आया कह रहे थे क्या उसका मतलब ना समझे कि नोटबंदी हुआ साला नोट जीरो बैलेंस वाले में पहुंच गया जमा कर दी बचाव के लिए वो पॉइंट था आपका का मुफ्त में बेटा चाहे भीख मांगे लेकिन वोट मोदी को देंगे हाँ यही ना कहना है आपका भीख मांगे देश तरक्की कर रहा है आत्मसम्मान है आत्मसम्मान भी तो जरूरी है पेट भरे का काम आत्मसम्मान दुनिया में बनाई वो चीज देखिए अभी चलिए तो मोदी जी के साथ रहेंगे काम करें चाहे नहीं और युवा है युवा क्या सोचते हैं मोदी जी काम किए यस क्या किए बहुत कुछ किया हम लोग के लिए पता है कादु को काम उनका बहुत कीजिए अरे राम मंदिर बना दी हम लोग के लिए बहुत वही काफी है राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिएगा आप यस राम मंदिर के नाम पे यस धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा धर्म ही हिंदू है हिंदू ही मेरा धर्म है ना जी मतलब पढ़ाई लिखाई पढ़ाई के लिए क्या किया हम लोग के लिए राशन पहले मिलता नहीं था फ्री कॉस्ट है राशन नौकरी पे वोट नहीं दीजिएगा आप लोग नौकरी क्या नौकरी एक मिनट जस्ट कीप क्वाइट आज 60 साल के बुढ़ा जिसको ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए ट्रांसफर कर देना चाहिए हम लोग BA पढ़ के 10,000 रुपये नौकरी के लिए भटक रहे हैं और लोग 1,20,000 सैलरी है तो यही ना हम पूछ रहे हैं 1,20,000 मोदी जी दिए नौकरी सुनिए आप कितने तक पढ़े हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस मतलब इंटर पास है जी साइंस से हाँ साइंस तो आपको मिला नौकरी उकरी नहीं मिला बहुत कोई किए नहीं मिला फिर भी मोदी जी के साथ है ट्राई अगेन नहीं दिया नौकरी नहीं केंद्र सरकार नहीं बिहार सरकार नहीं बिहार सरकार मिला है? हाँ सही बोल रहे इट इज ट्रू तो फिर भी आप मोदी के साथ है हाँ इसलिए कि कुछ हम लोग के लिए तो कर रहा है हम लोग हमको नहीं कर रहा तो मेरे फ्यूचर के लिए कुछ कर रहा क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए जैसे श्रम कार्ड बनाया
किसान को इतना आता है हर महीना पैसा? यस आता है। कितना? अब इतना हम मम्मी से पूछे जाए कि कितना आता है। इंडियन पेंशन पहले मिलता था। अरे आपका अकाउंट में आता है जी? मेरे अकाउंट में आया है 6,000। 6,000 कई बार? दो बार आ चुका। मेरे नहीं, मेरे वाइफ के आया आ चुका। आपको नहीं ना आया जी? नहीं। इस वक्त हम पटना के अगम कुआ में थे। ये सभी जो लोग हैं ये हम इनसे हम सवाल किए कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा, मोदी आएंगे या राहुल गांधी। आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो नीचे कॉमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।